के
ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जाएगा 105 प्लस 37 अपॉन 4, प्लस कर देंगे तो गाइस ये हो जाएगा 142 अपॉन 4, डिवाइड कर देंगे तो आंसर आएगा 35.5। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो दोनों आइसोटोप थे क्लोरीन के, ये नेचर में कितने परसेंट प्रेजेंट है, तो उस हिसाब से हमने एवरेज निकाल लिया दोनों के मास का। तो ये जो हम एवरेज निकालते हैं और जो आंसर आता है फाइनल, तो गाइस इसी को ही कहा जाता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। तो याद रखिए कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनका मास फ्रैक्शनल एटॉमिक मास होता है। फ्रैक्शनल एटॉमिक मास क्यों होता है, क्यों निकालते हैं हम कुछ एलिमेंट्स का, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जिनके आइसोटोप्स होते हैं। अब वो आइसोटोप्स नेचर में कितने परसेंट प्रेजेंट है, अब हर एक जो आइसोटोप है वो अलग अलग परसेंट प्रेजेंट होता है, तो फिर उसका हम एवरेज निकालते हैं, हर एक आइसोटोप के वेट का हम एवरेज निकालते हैं, तो तब जाके निकलता है फ्रैक्शनल एटॉमिक मास। ठीक है, तो गाइस याद रखिएगा कैसे निकालते हैं, क्योंकि मे भी हो सकता है यहाँ पे हमने क्लोरीन का एग्जांपल लिया है, क्वेश्चन कोई और आइसोटोप से आ जाए, आपको ये दे देंगे, परसेंट दे देंगे, रेशियो आप निकाल लेंगे दोनों का 75 और यहाँ पे 25, तो अगर हम इसका रेशियो निकालेंगे तो कितना आएगा, 3:1 रेशियो आ गया। देन रेशियो की हेल्प से यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो गाइस ये जो क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा फ्रैक्शनल एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं और इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए मेरे साथ, और हाँ मेरे साथ बायोकेमिस्ट्री पढ़ते रहो ना, एंड बी सेफ फ्रॉम कोरोना।